चिकू बेबी, चिकू और चिकू सर की रात को ना तेरी आंखें नहीं दिखती, इसलिए मैं दिन में लाइव आई हूँ आज। ये यहाँ पे ना ऊपर ये खाना पड़ा हुआ है, ये खाना जोई का है, बट इन सबको लग रहा है कि हमें खाना दे दो। ये सारे इसके द्वारे बैठे हुए हैं, ये खाना पड़ा हुआ है इसके ऊपर, अभी इनका खाना अलग है। इनको पता है कि ऊपर वहाँ जोई का खाना पड़ा है, सारे इसके आले दुआले बैठे हुए हैं। वो देखो बस नहीं चल रहा इनका, इनको अलग अलग खाना देते हैं ना, तो ये बैठे भी सारे। चीकू ये इतनी चलाक है, चीकू की बहन। अच्छा अच्छा देरी तेरे को मैं खाना, अभी रुक जा। चीकू तेरे लिए इतने मैसेज आते हैं कि चीकू सीरियसली बहुत ज़्यादा क्यूट है। अभी चीकू रिकवरी पे चल रहा था, बहुत जल्दी वेट गेन करेगा ये, फिर और ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। जब ये बच्चे मेरे घर ना 5-6 दिन से ऊपर रह जाते हैं ना, तो मेरी मतलब इनके साथ बॉन्डिंग इतनी हो जाती है कि मेरा किसी को अडॉप्ट करवाने का दिल नहीं करता। लेकिन वही बात है, जिसको जिसका अडॉप्शन हो रहा है ना, हम करवा देते हैं। नेत्रा तो किसी को नहीं देनी भाई, नेत्रा तो किसी को नहीं देनी हमने। छरकिट बिन देना, मुँह कितों गिला करके आया तू, सारा दिन पानी एवें पीते ना जिमें पाली च कई लान जाता रोज, ये मुँह कितों गिला किते ही। सर्किट ब्लैक ब्यूटी बेटा, कैमरा इधर, कैमरा खाने के इधर, कैसे आग लगी। ये खाना इसका नहीं है, इनका खाना अलग है, ये एक बार खा बैठे हैं। छोटे बच्चे तो ये ऐसे होते हैं, अगर इनको 100 बार खाना दोगे 100 बार खाने खाएंगे ये, तो इनका अलग अलग खाना होता है। ये सारे इस बॉक्स के पास बैठे हैं। वो नेत्रा मार रही है उसको, नेत्रा खलो जा, खलो जा तू। हाय हाय नहीं मर जो नहीं, ऐसी तो मैंने वजह ही पिछो। हाय मेरे बा, अब देखो ये सारे इधर घूम रहे हैं ना। वैसे तो मैं छोटा सा बॉर्डर बना देती हूँ जोई के लिए यहाँ पे, कि जोई को कोई तंग ना करे। नेत्रा मर जा उधर जा। ये बैठी जोई, इसके स्टिचेस को साफ किया था बीटाडिन से। सीरियसली ये इतनी सियानी है ना, इतनी सियानी है कि सुबह इसने ना, क्या टाइम हुआ था सुबह जब शोर में जा रही थी, हाँ 7:30 बजे के आसपास इसने टॉयलेट जाना था। मतलब इतनी जोर जोर से चिक्के मार रही थी ये कि मुझे यहाँ से मूव करो, तो हम माने इसको उठा के दूसरी साइड लेके भी गई, लेकिन वहाँ इसने टॉयलेट नहीं किया क्योंकि इसको टाइम चाहिए था। फिर इसको दोबारा अंदर ले, तो बेचारी ने यहीं पर टॉयलेट किया, क्योंकि अभी थोड़ा इसको टाइम लगेगा ना चीज़ें समझने का। बाकी जोई बच्ची हमारी बहुत अच्छी है, खाना लेके आई इधर एक बार। जोई जोई मूवमेंट करती है अभी, पहले से मर जाएंगे सारे, इनको पीछे कर। ये देख 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 देख, ये तुम्हारा खाना नहीं। अब इसको जैसे खाने की स्मेल लागी, देख लो अपना भागी ना खाने आगे। ला मेरे बच्चे खाना खा लो, खा लो मेरे बच्चे खाना। अब इसको पता लग जाता है, जैसे इसके बाउल की इसको आवाज़ आ जाती है तो इसको पता लग जाता है। ये हमारा बॉर्डर बन रहा है छोटा सा एक, क्योंकि ये कमीने ना जीने देते, इनको होता है कि सारा खाना इन्हीं के लिए है बस, है ना। बाकी तो सब ऐसे ही दुनिया पे आए हैं, तो जो ही अपना खाना खा लेगी। ये पेडिग्री को भिगो के मैं रख देती हूँ, तो उसके बाद इस बच्ची को खाना देते हैं। ये खाना खा रही है। नेत्रा की आईज बिल्कुल ठीक है, सच्ची में ठीक है। तो ये अभी तो मेरे पास रहेगी हमेशा के लिए। नेत्रा को ये हो रहा है सारा खाना उसको दे दो। नेत्रा यहाँ से चली जा तू अभी। वो देख सारे, देख बॉर्डर पे खड़े हुए हैं सारे, ये दोनों तो इधर टाप के आ जाती हैं। सर्किट सर्किट तेन तो कोई पहुँचता ही नहीं। सर्किट वो कितों आँदी पिया बैड ते, मर जा वे वे इसको पकड़ ले। अब बड़ी कमीनियां ने, तानू नहीं पता इन्हें तो सच्ची च, बड़े चलाक हैं, इनको सारे रास्ते पता है। अच्छा इनको एक्चुअली ना वो पेडिग्री की स्मेल आ रही है यहाँ तक। ऐसा करें इनका खाना डाल के ले एक बाउल में, पीछे डालते हैं इनको। सबको अलग अलग खाना देना पड़ता भाई, ये बहुत लड़ाई करते हैं, एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं ये सच्ची में। जोई बुगो ऐसे खा लो, वैसे खा लो, इसको जितना खाना अपनी मर्जी से खा लेगी। उसके बाद इसको पानी पिला देंगे। नहीं नहीं नेत्रा को अभी शिफ्ट नहीं कर सकते, वो नेत्रा लड़ती है, वो भी लड़ते हैं। मैं जब ये तब तक बड़ी नहीं होती ना तब तक नहीं। इतनी सारी नहीं है, थोड़ी सी है, इसको भिगो के दी है जितनी इसको खानी है। कभी भी पता क्या होता है, जैसे डॉग होते हैं ना छोटे बच्चे खा लेते हैं,
लेकिन इन डॉग्स को इन्होंने जितना खाना खाएगी फिर उसके बाद ये छोड़ देती है। मतलब इंसानों से ज़्यादा अच्छे ना जानवर हैं सच्ची बताऊँ तो, क्योंकि उनको पता है उनको जितनी भूख है वो उतना खाना खाते हैं, लोगों की तरह नहीं ये भी ले लो वो भी दे दो ये भी आ जाए वो भी आ जाए, है ना, भाग दौड़ में भेड़ चाल में चल रहे हैं। ये देखो कैसे खड़े हुए बॉर्डर पे। तुम नहीं जा सकते उधर अभी सर्किट, तू तो वैसे भी नहीं जा सकता सर्किट। मंशा दीदी तेरे को लाइक करते हैं, चीकू भी इधर ही है सर्किट। मंशा दीदी तेरे को लाइक करते हैं बहुत ज़्यादा, गुरबानी दीदी भी लाइक करते हैं तेरे को, ये ब्लैक ब्यूटी हमारी क्वीन। लड़ाइयाँ करेंगे इधर इधर। अच्छा इसको अलग अलग डाल दे, नेत्रा को लग दियो दे, लड़ाइयाँ चलेगी अभी इनके। नेत्रा तो अपना खा लेना, चीकू को लग देंगे। चीकू बहुत शरीफ है, वो लड़ाई नहीं करता, वो बेचारा आराम आराम से खाना खाता है। इसको मैं अलग प्यार से खिलाऊंगी खाना, इतनी कमी नहीं है, खुद खाना नहीं खा रही अपना देख लो। इसको ये हो रहा है कि ये दोनों क्या खा रहे हैं, देख निगाह इसकी उधर ही है, अपना खा ले। अगर तुमने लड़ाई की ना दोनों ने, सर्किट नाम मेरी मम्मी ने रखा था इसका, ब्लर आ रहा है रुको। अरे बाहर का व्यू है अपना, आराम से यहाँ घूमते रहते हैं ये, और यहाँ 24 घंटे एक बंदा बैठता है। उसका नाम अभी तो ब्लैक ब्यूटी है, अभी उसका नाम देख, मार जो वे निके निके, देख देख लिया देख लिया, कितने कुत्ते हैं ये, देख उधर से लड़ाइयाँ चलती हैं इनकी। सर्किट दे बेचे बड़ी जान डे, अपना नहीं खाना दूसरे का खाना, पेट इसका फटने को हो रहा है पूरा। सर्किट बस चला जा, वो किधर है भाई, अभी देख लो इसने खाया और इसने ये छोड़ दिया ये वाला, रुको अब ये खाना इसने छोड़ दिया क्योंकि इसको नहीं खाना ये वाला। देखो कभी भी ये डॉग ऐसे नहीं होता कि जितना आप डालोगे सारा, छोटे डॉग का आता है वो खा लेते हैं। सर्किट भी आ गया, सॉरी वो चीकू नाम ही भाई वो हो जाते हैं मेरे तो दिमाग में। और एक चीज़ और बता रही थी मैं, ये रे यहाँ तो एक ट्रक कुछ खाना रख दूंगी ना वो भी खा जाएंगे रात रात में। सर्किट पैर तो बहुत कट ला अपने रोंदा पैरों नू, पैर बाहर रख लेगा डोंगा। नेत्रा सारे डीसी बने हुए सच्ची में यहाँ पे। चीकू देखना आराम से बैठे भी आराम से खाएगा ये, अभी नेत्रा खा लेगी इसको बाहर छोड़ूंगी मैं। ये खाना खाते हुए फुल मारती है, ऐसे मैं झूठ बोलूँगी नहीं मारती, खाना खाते हुए एक दूसरे से लड़ते हैं फुल। ये ब्लैक ब्यूटी नेत्रा मतलब चाट मार रही है एक मुंह उत्ते, और भी तेरे तो छोटे नहीं अजय। मिनी कहाँ पे, मिनी को पेडिग्री खाएंगे ऊपर थोड़ी सी। मिनी हाय मिनी बेबी, मिनी ये देख लो मिनी आ गई हमारी, मिनी मिनी बेबी हाय मिनी हाय मिनी बच्चो, मिनी बच्चो की ची के मेरे बच्चे नू। ये काटो की बहन की लड़की है ये, नेत्रा ने खा लिया आई थिंक सफिशियंट है उसके लिए, ओवर हो जाएगा उसको भाई, तेरा पेट फट जाएगा बस कर। इसका पेट देखना यार एक बार, ये देखना पकड़ी इसका पेट दिखाइयो कंजर, तू चल अंदर चल अभी, टेड वेख लो तेरा टेड पॉटन हो गया मुँह गई अपना, वेख 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 वे भसदा वे किवें, इसको ना वहाँ छोड़ के आती देखी भाग के आएगा एक बार, रुक जा रुक जा। इधर ना आ जा, वापस तोड़ जाए तो ओ वापस चल यहाँ से, ये ओवर खा लेता है उतना खुद नहीं जितना ये खा लेता है। ये सर्किट सर्किट कितना अलर्ट है अपने नाम से। सर्किट तुझे पता तेरी भी थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग होगी है। सर्किट ओहो अच्छा जी अच्छा अच्छा खा ले इसने सफिशिएंट है इसके लिए, इतना खेल रहा क्या कर रहा है देखियो। हाँ इसने पोटी तो नहीं करनी है, भगवान ठानी पड़ेगी मेरे को।
देख पोटी कर रही थी, मेरे को सारा पता, वो देख कमीना लाइव में पोटी कर रहा है यार, मैं नहीं दिखा रही, रुक जाओ, पता लग जाता है जब इन्होंने पोटी करनी होती है ना, देख खा पी के कमीना अंदर जाके पोटी कर रहा है कुत्ता, मा थप्पड़ मारा तेरा मुंह उतर हण तेरी हुई है लगा उन सूंघन सर्किट, इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना यहाँ तक, थोड़ा राशन खा लिया करो, है राशन थोड़ा खा लिया कर, जेडी मैनू तुसी नौकरा ने रखिया एक सर्किट कुत्ता जाके स्पेशल पढ़ दें थले पोटी करके होर ना खान लग जी होना, खाई जाओ तो हगी जाओ और काम ही को नहीं तानू कोई, पकड़ इसको इधर आ तू ना कंजरा जो फोन, तू खा के आया है, हैं अभी तू खा के आया ना, तो थोड़ी देर तो सबर कर ले, चीकू हुआ है, चीकू मैं अलग से खाना दूंगी, इनके साथ नहीं देती, चीकू को स्पेशल खाना आता है स्पेशल, ये शरारती है ना, तुम खाओ सूखी पेडिग्री खाओ जाओ, चीकू को तो प्रॉपर परोस के जैसे वो नहीं देते यार, वो क्या बोलते हैं स्टार्टर कर दी पोटी भाई, बस मैं उठा रही हूँ मेरा डब्बा, अभी चीकू का के रख देते हैं, खानी है ये नहीं खाने देते भाई, जीना हराम कर देते एक दूसरे का, नेत्रा बस कर जिमें वे खेरी का, हाय मेरे बाहे ऐसी लग गया भाई, हाय माँ मेरी, हाय शिट ये ऐसी ठुक गया यहाँ से, ये हाय मेरे बाबा मेरा सिर ना कितने पाट जाता हूँ, चीकू को अभी दूंगी, हाय वे मेरा सिर पाट गई थी, हाय मिनी का है बोरी, एक मिनट ब्रेक लिए पानी दियो, दांत फाड़ ले तू, एक दूसरे को चोट लगती है ज़्यादा खुश होते हैं, इधर मत मुंह मारो बेटा, इधर मत मारो, अभी पोछा लगाना मैंने इधर, दादे बहन बन के हैं लाइव नहीं करती मैं, लाइव में दिखाती, उठा दे पहली बोतल, तोड़ दिया मत तोड़ अभी, और ये बॉर्डर बन चुका उधर, तो अभी इसने खाना खा लिया है, उधर कोई नहीं जाएगा, सुबह हमने इसको गले पे ये पहनाया था, थोड़ी सी इसको इरिटेशन हो रही थी बट मैंने फिर निकाल दिया क्योंकि मैं इसके पास ही रहती हूँ, तो बाद में पहना दूँगी, और हाँ एक चीज़ और बता रही थी, वो जो वीडियो नहीं वायरल हो रही वो यूट्यूबर की, अपना क्या बोलते हैं उसको, कौन सा जोन है वो, डेंजर जोन, तो वो भाई क्या बोल रहे हैं कि मैंने पूरी सेफ्टी के साथ ना अपने कुत्ते को उड़ाया था भाई, मैंने उसको मैसेज भी किया, मैंने कहा ऐसा कर इतनी सेफ्टी के साथ ना 10 बैलून्स की जगह ना 100 बैलून्स ले आ और तू खुद भी उड़े एक बार, मतलब सच्ची यार इन लोगों को इतने लोग फॉलो करते हैं, मतलब आप कुछ ऐसा काम करो कि जिससे एक अच्छाई दुनिया में जाए ना, कि यार ब्रीड, हाँ कुछ लोगों के मुझे ये भी मैसेज आए थे कि दीदी एक जो पुलकित वैम्प नाम का लड़का है उसका पेज है, वो भी एक यूट्यूबर है, मैं उसको नहीं जानती थी, उस लड़के ने मेरे को मैसेज किया था कि मुझे आपका है ना वीडियो शूट करना है, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरे को कभी भी चाहे किसी का लेवल हाई है, किसी का लेवल छोटा है, किसी के 10 फॉलोअर है, किसी के 10,000 फॉलोअर है, अगर मुझे कभी भी कोई भी बोलता है ना हमें आपके साथ वीडियो बनानी है, मैं उसको बोलती हूँ कोई बात नहीं बना लीजिए, क्योंकि जो वो वीडियो बनाने आते हैं हमने कोई फेक चीज़ तो करनी नहीं, ये रियलिटी है, ठीक है, और जो भी वो वीडियो बना के लेके जाते हैं तो काफ़ी लोगों को वो वीडियो देख के है ना कईयों का एक दिल से प्यार जागता है, मतलब मैं फिर बोल रही हूँ कि कुछ लोगों के दिल में इंसानियत है लेकिन वो कई बार ना वीडियो देख के जागती है, तो जब भी मेरे पास कोई आता है ना वीडियो बनाने के लिए, गोबर जोन, हाँ मनशा दी गोबर जोन आई थिंक, हाँ मुझे नाम नहीं पता, गोबर जोन आई थिंक शी मे बी डेंजर जोन, गोबर जोन, हाँ गोबर जोन पे ज़्यादा बेटर है, तो मुझे लोगों ने बोला कि आपने पुलकित वैम के साथ वीडियो क्यों बनाई, ठीक है जिस दिन उस लड़के ने मेरे साथ वीडियो बनाने आना था तो मैंने उनका पेज भी चेक किया है ना, वो ब्रीडर्स को भी प्रमोट करते हैं, तो उसके बाद जो वो लड़का मेरे घर में है तो मैंने उसके साथ बैठ के काफ़ी बार बात की, मेरी 2-3 बार आ गया करनाल वो, तो मेरी काफ़ी बार बात हुई, मैं कहा भाई देख तुमने चलो स्टार्ट किया था, तुम ब्रीडर्स को प्रमोट करते हो, चलो ये आपकी सोच है ना, तो मैंने कहा इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल फीडर्स हैं मेरी तरह और भी बहुत से लोग हैं, तो आप उनको उनकी जाके वीडियो बनाओ ना, अब आप ब्रीडर्स की बनाओगे वहाँ आपके लोग ज़्यादा लाइक करेंगे या जो आप इंडिविजुअल फीडर्स हैं जो लेडीज़ हैं कुछ अपने ज़िंदगी की चीज़ें मार के है ना
फीडिंग कर रही हैं, एनिमल्स को रेस्क्यू कर रही हैं, अपनी इतनी चीज़ें उन्होंने सेक्रीफाइस की हुई हैं। तो मैंने कहा आप उनकी वीडियो बनाओ ना जाके। तो उसने एग्री किया। उसने जैसे हमारी दो बार वीडियो बना के लेके गया, जीवो मंगलम की वीडियो बनाई है उसने। अब उसने कोई लुधियाना में कुछ है ऐसे इंडिविजुअल फीडर्स, तो उनकी भी वीडियो बनानी है। तो वो मतलब वही बात होती है, सम टाइम आप किसी को समझा भी सकते हो। तो पुलकित से मेरी बात होती रहती है, मैं उसको बोलती, मैं कहा अगर भाई तू किसी ब्रीडर के पास जाता है तो मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्या वो स्ट्रे डॉग्स को भी खाना देते हैं? बोला हाँ, कुछ लोग हैं वो अपने ब्रीड वाले डॉग्स के साथ साथ स्ट्रे डॉग्स की भी केयर करते हैं। तो मैंने कहा कि आप उनकी भी मैंशन किया करो ना, आप उनकी भी फ़ोटो डालो ना। तो मेरा तो यही मानना है कि ब्रीडर्स को ना प्रमोट करके जो आज हमारे देश के जो स्ट्रे एनिमल्स हैं इनको तो कोई पूछता नहीं है। सबसे पहले तो इनको लाइक वो करो ना, उसके बाद आप देखना, मतलब दुनिया अंधी हो रही है, सबको यूट्यूब का वो एक भूत सवार हो रहा है, घर घर जाके ब्रीडर से भीख मांगो, वीडियो बनाओ, ये करो वो करो। यार पहले अपने देश के डॉग्स की, जो दूसरे डॉग्स हैं उनकी तो पहले सिचुएशन देख लो। तो अभी मैं मूव करती हूँ दूसरे बच्चों के पास। देखो इन्होंने खाना खा लिया, इनकी मस्ती हो गई स्टार्ट। चप्पल खा के मेरी के रह गया अद्धी। अब तो पहले मैं थोड़ी महंगी महंगी चप्पल आती थी, लेकिन अब मेरे को जो फंसती है मैं वही ले आती हूँ, क्योंकि खानी तो इन्होंने ही है। मतलब अब ये लोग ये बोलेंगे खाना खाते, मतलब वैसे नहीं, पूरे वो कर देते, ख़राब कर देते, कहाँ गई, दांत मारते रहते हैं ये। सर्किट और नेत्रा खेल रहे इधर। मतलब कि सीरियसली आप लोग भी, मतलब मेरा ये मानना है कि अगर मेरे को कोई ऐसा अच्छा बंदा मिलेगा कि जो है ना स्ट्रे एनिमल्स की केयर करता है, मैं भी डेफिनेटली उनकी वीडियो, अभी हमारे पास टाइम नहीं, लेकिन हम भी वीडियो उनकी बना के शेयर करा करेंगे। उससे उनको है ना एक लाइक उनका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, उनको अच्छा लगेगा कि उनको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, जैसे हमें लोग शुरू में अप्रिशिएट करते थे। आज आप लोग काफ़ी जुड़ गए, लेकिन एक टाइम था कि मेरे सिर्फ 10 या 20 फॉलोअर थे, 1000 फॉलोअर थे ना। तो धीरे धीरे लोग अप्रिशिएट करते हैं, अगर हमें भी कोई अच्छे से मिलेगा ना तो हम भी उनको प्रमोट करा करेंगे, जो इंडिविजुअल फीडर्स है। मैं ब्रीडर्स को प्रमोट नहीं करूँगी कभी लाइफ में, नहीं करूँगी, मैं सच्ची बता रही हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे ब्रीडर मिलता है ना, तो मैं उसको देखो, भाषण तो मेरे को देने की आदत पड़ गई है, भाषण तो मैं देती हूँ। मैं कहा भाई तूने अगर दो ब्रीड के रखे हुए तो मेरी मान एक स्ट्रे डॉग भी रख। और मैंने देखा है वो पुलकित की गली में कुछ डॉग्स हैं, उन्होंने उनको स्टेरलाइज भी करवाया हुआ है, वो खाना भी देते हैं, मेरे को वीडियो भी भेजी थी उन्होंने। सो अच्छी बात है, पहले अपने देश के डॉग्स का ध्यान रखो, उसके बाद ब्रीडर्स की ये मंगवाओ। लोग बड़े शौक से, मैंने 3 लाख रुपए लगा के वहाँ से इम्पोर्ट करवाया है, हे भगवान। और गोबर जो उनको बोलो भाई, खुद भी कभी लटक उड़ के देख, और कल को अपना जब बच्चा पैदा करेगा ना उसको ऐसे बैलून्स के साथ उड़ा के देखियो। ये दुनिया ऐसी है, अगर आप 100 अच्छे काम करोगे ना, एक गलत कर दोगे समझो फंस गए, तो गलत काम मत करो। और हाँ, ऊपर से उसने ये बोला कि अपना कंटेंट, मतलब इन लोगों को बस कंटेंट चाहिए क्या? मतलब इनको सिर्फ कंटेंट चाहिए कि मेरे को, मैंने कंटेंट देखा था तो मुझे वो कंटेंट अच्छा लगा तो मैंने वो कंटेंट की कॉपी की। अच्छी चीज़ें तो इनसे कॉपी नहीं होती। अपने घर 2-4 ऐसे इंजर्ड डॉग रखो ना ला के, कोई ब्लाइंड क्या कर रही है उसको, क्या कर रही है? ओ तू क्या मसाज करवा रहा है क्या इससे? ओ करा हूँ है, मसाज करवा रहा है क्या तू इससे? ये मसाज कर रही है बैठ के उसकी। ये ऐसे खेलते रहते हैं, मारते नहीं एक दूसरे से, बस इनके पास खाना नहीं पड़ा होना चाहिए। आप भी हमेशा ध्यान रखा करो, अगर आपके पास डॉग है उनके पास खाना पड़ा हुआ तो खाना हटा दिया करो, वैसे इनको खेलने दिया करो। देखो कोई अपने आप से खेल रहा है, ये अपने पैरों के साथ खेल रही है, वो अपना कुर्सी के साथ खेल रहा है इधर। बेटा ये लोहे की है, ये नहीं कटेगी तरह से, सॉरी स्टील, हाँ जो भी है। ये नीचे इनका घर है, इस चेयर के नीचे। ये देख कैसे सो गई है, टांगे देखिए इसकी। ए डड्डू यार, आप ना महंगे महंगे डॉग्स खरीदना बंद करो, तभी ब्रीडर्स की थोड़ा इनको पता लगेगा। आप खरीदते हो तो ही इनको शय मिली हुई है, और ऊपर से बोल रहे हो कि लोगों को मेरे नाम पे फेम चाहिए। भाई किसी को फेम नहीं चाहिए, क्या क्या है? ये तुम्हारा प्यार कब लड़ाई में बदल जाएगा पता नहीं लगना। नेत्रा दिमाग हिल गया तेरा। सर के चल मैं जा रही हूँ, बाय। एक बार मैं नीचे दिखा देती हूँ। नेत्रा बाहर आ जा तू, कहीं एक अद्धे का मर्डर करके रखा हो।
भाई जिसने जितने भी आज तक अपने क्रूल्टी की वीडियो शेयर की है ना, एक भी बंदे को सजा नहीं मिली अभी तक। पुलिस FIR करती है ऑन द स्पॉट, उसको मिल जाती है। डुगू बैठा हुआ है। डुगी डुगू डुगू काटी 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 बिनी बिनी, वो बैठा बिनी। चिंकू को खाना, चिंकू की थोड़ी सी पेडिग्री के ऊपर ग्रेवी डाल के कल्ले को खिला के भाई। हाँ कल्ले को खिला के ग्रेवी पीछे पड़ी है, थोड़ी सी डाल लियो, थोड़ी बच्चों वाली भी पप स्टार्टर भी ले लियो। क्या है? क्या है? क्या है? देख 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 देख, ये मालकिन है इस घर की। क्या है? क्या है? ये बर्दाश्त नहीं कर रही डुगू को यहाँ। अच्छा वो डुगू को कह रही है किचन वाली साइड ना जा, क्योंकि वहां खाना बन रहा है और खाना इस मैडम के लिए बन रहा है सारा। कौन कौन रह गया? सारे धोना भी डिंगी हुई, यदि धोन भी डिंगी हुई, यदि भी ओदी भी। पर माइकल 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 दिन में अंदर सोता ही है। बिन्नी बड़े दिनों कहीं तेरा खड़ोना नहीं वेख्या। बिना बिन्नी खोना कितने सी? होए खोना कितने ही? तेरे पौड़ियों के बुढ़े ने रखिया खड़ोना, खड़ोना कितने ही? खड़ोना कितने ही? कहाँ वॉश किए थे क्या? ये लेता टैडी बियर लेता, ये कितने पीछे पड़े ने? माने इसके खिलौने पड़े हैं ऊपर, इशू लेके आना एक बार आप, मशीन के ऊपर पड़े हैं ये। खाना करन चुकी मरा जाए। बिन्नी के खिलौने मम्मी ने ना वॉश किए थे, आ रहे हैं अभी। ये खाना सारा बन के रेडी हो गया, अभी जाएगा ये अलग लोकेशंस का खाना है। ये रहा 1 2 3 4, ये डक्स की रोटियाँ, मंकीज के लिए ये और पड़ी हुई हैं, ये मंकीज के लिए सारी रोटियाँ, ये रही रोटियाँ प्रसादा। और प्लीज़ जो लोग करनाल आते हैं ना, निर्मल कुटिया हमेशा हो के आया करो, क्योंकि काफ़ी लोगों का बेजुबानों का वहाँ से पेट भरता है। और कभी किसी को कुछ दान देना ना, प्लीज़ निर्मल कुटिया पक्का हो के आना, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि हमें निर्मल कुटिया से डेली 40 kg रोटियाँ आती हैं। तो अगर कुछ लोग करनाल के या करनाल आएंगे, आज तो तेरे खड़ौने सोने हो गए ना अभी का, खड़ौना में किमें तक गंदा जहा खड़ा खड़ जाओ खाने। आज मम्मी ने वो इसके खिलौने देख लो यार, ये भेजा था। वे मारी चल खिलो जा एक मिनट, वे मारी चल खिलो जा एक मिनट, पढ़ाई पढ़ाई सुन। बिनी खोना ले ला जा, बिनी खोना दावे ना कर, दे दे यार, दे दे आवे ना कर, दे 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 दे। बिनी मुँह खा दो ना, हम भज गए होने कुछ चाहिए नहीं। काटो लै, काटो खोना, काटो लै, काटो लै, काटो ले, नहीं काटो ले, बिन्नी ले, खेडन दे बेचारी नू। ये टैडी बियर में गिफ्ट मिला था। ज़ारा रेस्ट कर रही है, महारानी आराम फरमा रही है, वो भी दिखाती हूँ मैं अभी। डुगू तू लेने, डुगू 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 डुगी, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, खिलौना मम्मी पूरी वेट कुत्ते का वहर आ गया इधर। कांटो को, कांटो किसी को कुछ लेने नहीं देती, लै लै मर जा, हूँ तेन आ नहीं मिलने लगा इतने कि सोच दी सारे खड़ौने तेरे ही ने। ज़ारा का डाइनिंग टेबल गंदा हो रहा है अभी। मम्मी को टेंशन हो गई, बिन्नी का खिलौना ना कोई ले ले। जाओ टंग दो जाके नु किधर। जो गिर गई, मैंने कल एक्सप्लेन किया, आप कल वाली वीडियो देखना। ज़ारा भी दिखा रही हूँ, सारे बच्चे देख लिए ना आपने, ये खाना भी जाएगा। तो मैं बड़े गांव नहीं जा रही आज,
बड़े गांव, करण, हरमन जाना है, हरमन, ईशु, मान्या, प्रियंका जाना है। एक्चुअली पता क्या होता है, गाड़ी में 4 से 5 बंदों की जगह होती है। ईशु अमृतसर से आई हुई है, लाइट में इधर आना, शर्मा क्यों रही है अभी? ईशु के बारे में सबको पता ना, अमृतसर से आई है, ये भी फीडिंग के लिए आई है स्पेशल। पहले हमें फेसबुक पे फॉलो करती थी, तो फिर वक्त निकाल के, तो ईशु आप क्या सोच के आए थे? आपसे मिलना, मिलने के लिए आए थे और फीडिंग करने के लिए, बच्चों को देखने के लिए। थोड़ी सी ऊंची बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। बच्चों को मिलने के लिए और फीडिंग करने के लिए साथ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, मतलब जैसे लाइव दिखता है एक्चुअल में वैसा ही उससे अलग है? काफ़ी डिफरेंट। कैसे डिफरेंस कैसे है? लाइव में देखते हैं, ठीक है, तो अभी आप लाइव मतलब घर में हो इस टाइम? नहीं, वैसे लगता है कि मतलब आपको तो जानते हैं वो मंकी, तो जो दूसरा बंदा स्ट्रेंजर है उनके लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हम जो लाइव में बोलते हैं, मैं एक्चुअल में वैसे ही हूँ या कुछ अलग हूँ? उससे काफ़ी अलग हूँ। अलग कैसे, मतलब बिहेवियर पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। कई लोग समझते हैं कि एटीट्यूड है, आप में एटीट्यूड जरा। अच्छा ये बोल रहे हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि मतलब दलजीत में एटीट्यूड है, एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि जो लाइव मतलब मेरे को मिलते हैं, मेरे साथ रहते हैं, मुझे जान सकते हैं, और कुछ दिखावा नहीं है, मैं एक्चुअल में जैसी हूँ मैं वैसी रहती हूँ। चलो अभी सारे बैठे हुए हैं, कांटी, चलो मैं दिखा देती हूँ दूसरे डॉग भी। सतगुर प्यारा मेरे नाल है, ये भी स्टॉप हो जाती है, इसको दोबारा चलाना पड़ता है बानी को। रांची बेबी, रांची के मैंने नेल्स काटे थे आज, रांची रांची बेबी, आज मैं रांची के साथ इतना टाइम स्पेंड करके गई हूँ तो मे भी इसलिए ना बोले वो, काश मैनू बिल्ली बना देंदा। ओहो ना बेचारी था ना, नौ वड़े वो थे यहाँ पढ़ाया ही कर दी है, मेरे बच्चों भी अंगड़ाई लेंदा सी, रांची रांची मेरे बच्चे, लेग पर प्लास्टर करवाया था वो, आज ऊपर छत पे ही है, वो नीचे नहीं आया आज। रांची हेलो बेबी, हेलो, गुल्ला को नहीं करने मेरे बच्चे ने, गुल्ला को नहीं करने अच्छे है, गुल्ला को नहीं करने मेरे बच्चे ने, सो जा मेरे बच्चे सोना। ये देख लो ड्रामेबाज, बूथा वे किधर चुकया है आसमान वाले ने, बताती है जारा, नहीं जारा नहीं, सुती की मैं, तू धोन तेरी टुट गई है कि सुती है तू, सोए रहने दो इसको, ये सो नहीं रही, बड़ी चालू है, जैसे मैं निकलूंगी ना आंखें खोलेगी एक सेकंड में, इसके दांत देख लो स्टूअर्ट जैसे, ये देख लो इसके दांत, दांत दवे किटे गुल्ले गुल्ले। आधी आंखें इसकी खुली होती हैं, यहाँ से सोने दो इनको, डिस्टर्ब नहीं करना, गर्मियों के दिन वैसे है ना। रांची दिख 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 दिख, ड्रामे चल रहे हैं इसके पूरे। अच्छा वो जो KFC वाला डॉग है ना, मैंने जो उसका ओनर था नगेंद्रा और नवीन, मैंने उसको 100 फ़ोन कर लिए, मेरा फ़ोन नहीं उठाता। आज मैं फिर ट्राई करूँगी उनसे, एक मैंने एक बार सिर्फ ये रिक्वेस्ट किया कि आप डोनर के बारे में बता दो कि डोनर कैसा है, उसकी एक फ़ोटो दिखा दो कि हम लोगों को डाल सके कि डोनर की मतलब कि अच्छी सिचुएशन में है वो, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं करते, मैं नहीं तो उनका नंबर डाल दूँगी। मैं फिर बाहर जाती हूँ, मैं अंदर ना वीडियो पॉज होती है तो ये सो रहे हैं दोनों यहाँ पर। ज़ारा इतनी वो है ना कुंभकर्ण, सारा दिन सोती है पूरा दिन, और ये इसकी जगह, इस जगह के अलावा इसने कहीं नहीं सोना। ये रूम तो हमारे गेस्ट के लिए था, बट गेस्ट तो आते नहीं भाई, गेस्ट तो देखो आपने बाहर बैठे हुए हैं, अंदर तो इन्हीं का रूम बन चुका है अभी, ये यहीं रहते हैं। एंड सीरियसली बोल रही हूँ, जो KFC वाला डॉग था मैंने बहुत बार फ़ोन कर लिया, वो नहीं बता रहे कहाँ पे हैं, मैंने हलाक वो कोशिश कर ली है, वो नहीं बताते। ज़्यादा बात है उनका फ़ोन नंबर है, मैं फेसबुक पर डाल दूँगी, आप सब लोग फ़ोन करके, कोई क्या पता किसी एक का तो उठा ही लेंगे, आप पूछ लेना उनसे। मतलब मैं उनको कुछ गलत थोड़ा बोल रही हूँ भाई, फ़ोन उठा के आप एक बच्चों का ये बता दो कि बच्चा ठीक है, उसकी ये फ़ोटो है मैडम, आपकी भी एक अच्छी इमेज बनेगी कि आप हमें रिवर्ट कर रहे हो, लेकिन आप तो बता ही नहीं रहे। ज़ारा सो रही है, ड्रामे कर रही है, कोई सो नहीं रही अभी, अब इसको हाथ लगाओ कि एक सेकेंड मुड़ जाती है। रांची बाय बेबी, रांची सो रहे अभी बाय, ये इनका रूम है, हम चला देते हैं शब्द, पॉज हो रहा है। गुण का ल
ब्लैक ही दिखाती हूँ, रुक जाओ। मान्या फीडिंग पे जाने की तैयारी कर रही है। मान्या कहाँ जाना तुमने अभी? फीडिंग पे जाना है। तो मान्या यमुनानगर से आई थी, तो मान्या मतलब कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है बताओ, तो बताओ ना। वैसे तो ये बहुत बोलती है, बता बता अब आपका यमुनानगर से आई थी क्या एक्सपीरियंस रहा है बताओ। बढ़िया रहा है। बढ़िया रहा है तो ओके, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है इसका। सारे बच्चों को प्यार करती है, अब तो मिक्सअप हो गई है ये सबके साथ। मैं कैरी शेडो कैली के साथ भी लाइव आऊँगी, ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी लाइव आऊँ। जरारा बहुत शरारती है, कांटो तो बहुत शरारती है, और जरारा की खासियत है वो कांटो के साथ ही खेलती है, उसको और लोग पसंद नहीं है। बिन्नी कितने वे, इन्हें तो मारी जाना हूँ, पर लता चुकी मारे साइड से। बिन्नी ब्लैक ब्यूटी है ये तुम्हारा। बिन्नी तो कितना सोहना है ना, तेरे मुँह च फिरोजी रंग की मैचिंग नहीं हो रही है इसके मुँह की, देखना फिरोजी कलर हो रही है। पिना बिन्नी चलो संगल जानी, प्या प्या होंगे ना टपदा उसी टाइम। बिन्नी चलो वो लत्ता होवे कुत्ते उत्ते झाड़ियाँ सु कहाँ तेरा फुफड़ सुता है परले पासे, लत्ता होवे कुत्ते उत्ते रखी उस मारी ना उन्हें चाट तेरे मुँह उत्ते नहीं संडी गए टांगे उसके ऊपर रख के सो रही है, जिमें फुफड़ के ब्याह से आई है तू, है थान नहीं लभी सोने वास्ते इनू। हाँ जी मान्या सिस्टर है मेरी, काटो प्यार करवा रही है बैठी हुई, देख लत्ता चुक ला साढ़े मुंडे तो, उसको अपने खिलौने की पड़ी हुई है, दुनिया मरती है मरे उसको उसको खिलौना चाहिए। मिनी कहाँ गई? हाय नी सतिंदर भी आ गई है, इसका नाम जो लोग मुझे बोलते हैं ना आपने जारा नाम रखा हुआ मुसलमानों वाला नाम रखा हुआ, तो इसका नाम मैंने सतिंदर रखा हुआ है। भाई मेरे लिए मैटर नहीं करता, चाहे मेरे का मेरा नाम कुछ रखना, तुम तो मेरा रख लो सतिंदर, इसका नाम सतिंदर रखा हुआ मैंने। ये पता मेरे पास कब आई थी, जब ये आई थी ये चीकू से भी छोटी थी जब मैंने इसको पाला था। मिनी मिनी इसकी लड़की है सतिंदर की, ब्लैक ब्यूटी मैं वहां से लेके आई थी, जो ऊपर फीमेल वाली है वो लाई थी हम वहां से बड़े गांव जंगल से। ठंडी सड़क वाली बेबी कहाँ है, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, आप एक कल वाली वीडियो देखना। मिनी ये कांटों का फुल फांटा तारते हैं, फुल जितने भी कांटों के मुंह पे झाइयाँ पड़ी हुई हैं ना इसकी वजह से पड़ी है वो। चलो दिख 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 आजा आजा आजा, कितने चल रही हैं नी, कितने चल रही हैं अंदर, तू बाहर आया तू, तेरी लड़ाई हो जानी अंदर, बाहर आ जाओ तुसी, इसकी लड़ाई होती है अंदर इसलिए इसको नहीं एंट्री देते हम। ये अपने तरफ से गोलियां पा रही है इसको भी कि मेरे को मार मत, देख ले सिंदर ला दे फांटा उदा। चलो ये देख लिया आपने कांटो, तू खा लित्र, अभी 15 मिनट बाद चीखती चलाती गेट के पास आएगी थोड़ी देर में। चलो जी बड़े गांव जाना है, 15 मिनट में निकल रहे हैं, बट मैं नहीं जा रही आज बड़े गांव, ये सब जा रहे हैं। करना खाना रख लो गड्डी से, बिना चलो मम्मी चलो आओ, बिना चलो मम्मी चलो छेती चलो घूमन चलिए, आप मॉल चलिए, चलो आओ मम्मी आ जाओ, मम्मी आ जाओ। बिन्नी बेचारा इतना काम करता है, मम्मी के साथ रोटियां बनवाता आटा भी गूंथता है, ये क्योंकि जब तक मम्मी किचन में रहती है इसने किचन में रहना होता है। बिन्नी कहाँ से मिली आपको? बिन्नी मेरे को 2017 में किसी ने गिफ्ट किया था, और तब मेरी मम्मी ने मना कर दिया था कि हमने नहीं लेना डॉग, तो मैं धक्के से ऐवी मतलब मैंने ऐवी रख लिया था घर में इसको। आई मम्मी देख
देखना यार कितना सुंदर है ये भी। बिना बिना मेरे बच्चा नहीं, बिना बिनी ऐसे सो जाता कई बार ये की में डिगी थले थक गए है दंद भाई मर जा अपने ओ कालुए। चलो जी मूव कर रही हूँ मैं यहाँ से। डुगू सो रहा है मस्त, नींद सो रहा है मस्त। डुगू तेरी अखा बड़ी सोनिया ने, बाय। चलो जी कोई रह गया भी दिखाने वाला? यस ब्लैकी, मेरी लत्ता टूट जानी इन्हें चढ़ चढ़ के पौड़ियाँ। वो सॉरी नेत्रा, नेत्रा बड़े आराम ना सुती है तू, है सो जो बच्ची। हाय बगीरा, हाय ब्लैकी, ब्लैकी छत पे ही था आज है ना, ब्लैकी छत पे ही था क्योंकि मौसम ठीक है ना ब्लैकी। बगीरा बगीरा बेबी, ब्लैकी बेबी मेरा सोना बच्चा सी, सोना बच्चा सी बेबी, तेरे को किसने मारा था ना, लेकिन अभी कितना ठीक हो गया ये। आप सब लोगों को ब्लैकी की स्टोरी याद है ना, इसके भी नेल काटूंगी। बस इन्नी स्ट्रैचिंग थोड़ा करी दी है, मोती की छत ते, यहाँ पे बिल्कुल ठंडा मौसम है, फंका स्पीड पे चलता है। बुगी ओए बुगी, बगीरा सबको याद है कितना छोटा सा था जब मेरे पास आता, मैं इसकी भी फोटो शेयर करूंगी आपके साथ कि पानी के साथ खेलते हैं, पानी मुका देते हैं ये। अभी कोई रह तो नहीं गया, मैं बंद कर दूं अभी लाइव, ये सब आराम से खेलते हैं। पीछे वाला जो इलाका है 5 मेंबर का है, ब्लैकी मोती कोको बगीरा एंड डुगू। जब वो नेत्रा बड़ी हो जाएगी उसको भी मैं इधर ही रखूंगी। फिर ब्लैकी की स्टोरी मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, ब्लैकी को एक बंद गली में घुसा के एक आदमी ने इतना मारा कि रात को 12 बजे इसकी दोनों टांगे तोड़ दी। इसकी दोनों टांगे ना 3-3 जगह से टूटी हुई थी, और सुबह 8 बजे मुझे फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे शिव कॉलोनी में पेट्रोल पंप वाली गली में एक डॉग है तो उसकी हालत ख़राब है, तो उसकी टांग में कुछ हुआ है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत होगा, तो मैंने एक अपने कज़न को भेजा, तो वो उसकी वीडियो बना के लाया। जब मैंने वीडियो देखी इसकी हालत इतनी ख़राब थी कि मतलब है ना, इसको इंस्टेंट वो ट्रीटमेंट चाहिए था, लेकिन कोई बंदा ट्रीटमेंट के लिए आगे नहीं आया। गली में 10 घर थे, वो मैं बोलते ना हमदर्दी जताने सारे आ जाते हैं, ओहो बहुत माड़ा होया बेचारे बेजुबान ने, है ना, इन्हें रब को की लेना है, इन्हें लोगों को की लेना है, ऐसे कहानियां मारने वाले 36 आ जाते हैं, कितना बेचारों को दर्द होता है। लेकिन अपनी पॉकेट से पैसे निकालने में और अपनी गाड़ी में लेके जाने में बहुत फ़र्क होता है, तो कोई इस बच्चे को लेके नहीं गया। तो मैं दोपहर में जब इस बच्चे को देखने गई, उस टाइम मुझे एक केस के रिगार्डिंग पुलिस स्टेशन जाना था, तो पुलिस स्टेशन से वापस आते हुए मैंने बच्चे को अपना क्या बोलते हैं धूप में पड़ा था बोरी लेके, मैंने इस बच्चे को इतनी क्योंकि इतना एग्रेसिव हो चुका था कि एक पूरा काट देता है ना, तो मैंने इसको उठा के छांव में रख के आई और दवाई दे के आई, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स की शाम को 5 से 6 बजे की, उसके बाद बच्चे को वहाँ मंगवा के इसकी एक टांग में प्लास्टर लगा, दूसरी टांग में इसको रॉड डली, फिर मैं इस बच्चे को उठा के दोबारा शिव कॉलोनी लेके गई ब्लैकी को कि अपना पानी पी, एक सेकंड मत, दोबारा मैं इसको उस कॉलोनी में लेके गई और मैंने बताया कि इसको मैंने ऑपरेशन करवा दिया, इसके पैसे भी मैं पे कर चुकी हूँ, तो आप इसको एक थोड़ी सी जगह में रख लो। तो किसी भी फैमिली ने वहाँ 10 घर थे, किसी भी फैमिली ने वहाँ पे एक छोटी सी जगह नहीं दी इसको अंदर रखने के लिए, और इसको गली में बाहर रख दिया। और रात को 11 बजे तो मैंने मम्मी को बताया, मैं कहा मम्मी मैं उसको गली में रख तो आई हूँ लेकिन मेरे को विश्वास नहीं है कि कोई उसकी केयर करेगा, तो मम्मी बोली जा तू जाके ले आ उसको। तो जब मैं इसको दोबारा लेने गई, इसको उस टाइम फीवर था और इसके सारे नीचे जगह पे इसने सुसु किया था, सारी जगह गीली हो चुकी थी, तो एक लड़का गौरव उसकी हेल्प से मैं इस बच्चे को गाड़ी में रख के घर लेके आई।
जब मैं इसको वहाँ से उठाने लगी, इतना एग्रेसिव था कि इसने मेरी बाजू पे काट भी लिया मेरे को। उसके बाद मैं इसको घर लेके आई, घर लाने के 2 घंटे बाद ये पूरा फ्रेंडली हो गया, क्योंकि इसको पता लग गया कि सुबह से मैं धक्के इसको बचाने के लिए खा रही थी। मतलब इतना एग्रेसिव डॉग था कि आज तक मैंने ऐसे किसी डॉग को टैकल नहीं किया था, क्योंकि मेरे को इसको गाड़ी से निकालने में 1/2 घंटा लग गया था। ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। और अब देखो कहाँ गया वो एग्रेशन, कहाँ गया। यहाँ पे काटा था मेरे को, रुको ये अभी दिखेगी नहीं बाजू, फिर दिखा दूंगी। तू मेरे को काटा क्यों था, मैं तेरे को काटू क्या, मैं काटू तेरे पैर पे, काटू ले अपने पैर खा जा तू, ले अपना पैर खा। तूने मेरे को काटा था ना, तो अपना पैर खा, ले अपना पैर खा, मैं नहीं, पैर खा अपना। और वहाँ पे क्या हुआ, जब वहाँ पे ना लोग खड़े थे 40-50, तो मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा भाई जिसने उस कुत्ते को मारा ना, भगवान उसके बच्चों पे और उसको खुद पे तो उसको दुख दिखाए और उसको पता लगे। तो वहाँ फटाफट एक लेडी चीख के बोली, बच्चों को क्यों दिखाए जी। तो मैंने बोला, मैं कहा जब तुमने मारा ही नहीं तो तुमको तकलीफ़ क्यों हो रही है, मारा उन्हीं नहीं था। मतलब 10 जनानियों में खड़ी हुई, 10 जनानियों में, मैं कहा तेरे कल्ली के बच्चे हैं क्या, मैंने तो जान के बोला। और वहीं पर वो टापने लग गई, मुझे पता लग गया इन्होंने मारा है। मैं कोई नहीं भाई, तुमने अपने कर्म किए, मैंने अपने किए, दैट्स इट। तो ये रही मोती, तो अभी हम लाइव एंड कर रहे हैं अभी के लिए, बाय बाय। हाँ इसको बोल रहे अपने पैर खा, अपने मुंह में डाल पैर, ले ले अपने मुंह में पैर डाल, ले खा खा के देख दर्द होता है इसको। मेरे को तो तूने बड़ा काटा था, तो खा इसको, खा इसको, खा अपना पैर खा, ले खा खा खा, इसके मुँह में पैर पा दिया मैंने, खा इसको जा। अभी लेटनियाँ ले रहे हैं यहाँ पे, चलो अभी के लिए बाय बाय, लाइव एंड कर रहे हैं अभी के लिए, बाय। ये सारे बैठे हैं यहाँ पे, बाय जी, बाय बाय।